वैसे भाई लोग सबसे पहले अपन देखेंगे आईक्यू नियो 6 को। देखिए इसको पीछे से, इसके बाद सामने से। पहले चलते हैं ग्राफिक के ऊपर। ये रहे ग्राफिक, स्मूथ प्लस 90 FPS, आगे HDR प्लस एक्सट्रीम, उसके आगे अल्ट्रा HD सपोर्ट है डिवाइस पर। स्मूथ प्लस 90 FPS करके, कलरफुल करके, 2x करके सेव करते हैं। जी हाँ, स्मूथ प्लस 90 FPS पर गेम प्ले करेंगे। तो भाई लोग, तुम्हारा भाई करने वाला है 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर एक स्मार्टफोन का गिव अवे अंडर 15K। जी हाँ, ये गिव अवे रैंडम सब्सक्राइबर को मिलेगा, बट ध्यान दीजिएगा आपकी कंट्री इंडिया होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई खुद आकर आपको स्मार्टफोन गिफ्ट करेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे भाई लोग, ये रहा पहला मैच आईक्यू नियो 6 को लेकर। तुम्हारा भाई सीधे छोटू टेम्पल उतर गया और तुम्हारे भाई को उतरते के साथ विक्टर मिल गई। पीछे की तरफ से एक बूट, सीधे नॉक, सीधे पेटी। इसकी पेटी बनाने के बाद यहाँ पर बंदे हैं। जी हाँ, एक और बूट, उसके आगे एक बूट है। अरे मजा आ गया, यहाँ पर तीन बूट। वैसे भाई लोग, आईक्यू नियो 6 पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का 5G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि अंतुतु बेंचमार्क पे 8 लाख से ऊपर स्कोर करता है। देखिए नीचे की ओर से एक बंदा था, एक और बंदा, सीधे नॉक, एक और बंदा है कहीं पर। जी हाँ, वो भग गया सीधे रिकॉल टावर। इसकी पेटी बनाने के बाद सीधे रिकॉल टावर जाएगा तुम्हारा भाई। देखिए आईक्यू नियो 6 पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की पावर देखना यहाँ पर। वैसे भाई लोग, इन बंदों के पास ज्यादा लूट थी नहीं, शॉर्ट गन और साथ में क्या चला रहे थे पता नहीं, पीपी और यूजी। ये स्क्वाड की पेटी बनाने के बाद पीछे की ओर से एक बोट की बंदा, पता नहीं, सीधे नॉक। और यहाँ पर हमारे भाई पेटी बना देंगे। पेटी बनाने के बाद तुम्हारा भाई सीधा अपार्टमेंट आया और यहाँ पर गजब सीन, एक बंदा नॉक और गाड़ी वाले बंदे, भगोड़े बंदे सीधे भाग गए आगे की ओर। सबसे पहले नॉक वाले बंदे की पेटी बनाया मैंने। पेटी बनाने के बाद कूद कर बाजू वाली बिल्डिंग आ गया मैं, क्योंकि गाड़ी वाला बंदा आ चुका है। तो तुम्हारा भाई पहली फुर्सत पर इसकी पेटी बनाने का इंतजाम करेगा। और यहाँ पर ये बंदा शायद ऑफलाइन हो गया था, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए गजब बंदा, ओ भाई साहब कहाँ, सीधे नॉक। एक और बंदा है ऊपर, स्प्रे मार रहा था बीच पर। इसकी पेटी बनाता हूँ चिमनी चुमनी से। देखिए मेरी चिमनी चुमनी सामने वाले बंदे की पप्पी लेगी। अरे लेगी क्या, ले ली, सीधे पेटी बन गई इसकी। पेटी बनाने के बाद रिकॉल टावर के पास बंदे, और ये बंदा वही ऑफलाइन वाला बंदा है, सीधे नॉक। आगे की ओर एक बंदा सांप बनकर लेटा हुआ है, देखिए विचित्र बंदा, सीधे नॉक। पेटी दूसरे बंदे की ऑटोमेटिक पेटी नहीं बनी, किसी बंदे ने तुम्हारे भाई का किल खा गया। ये आ रहा है दौड़ते दौड़ते, सीधे पेटी। इसकी पेटी बनाने के बाद तुम्हारे भाई के 17 किल हो चुके हैं और लगभग 19 बंदे जिंदा हैं। देखिए ड्रॉप लूटने आया था मैं, एक बग्गीबाज, एक नहीं दो बग्गीबाज। और यहाँ पर ये हो कैसे रहे हैं, लगता है सामने वाले बंदों का इंटरनेट धोखा दे दिया। कोई दिक्कत है नहीं, सामने की ओर दो बंदे और हैं, एक बंदा नॉक, दूसरा बंदा खड़े होकर स्प्रे मार रहा था, सीधे नॉक। हमारे भाई पेटी बनाएंगे, जब तक मैं हील करता हूँ। हील करने के बाद करते अपन तुम्हारे भाई की तबीयत की। जी हाँ, खराब है। तो भाई लोग, आईक्यू नियो 6 के बाद अपन देखते हैं रेडमी K50i को स्मूथ प्लस 90 FPS ग्राफिक के साथ। मैं उतर गया सीधे छोटू टेंपल के ऊपर। उतरते के साथ यहाँ पर तीन की वेस्ट, आगे जाता हूँ स्कारेल। अरे भाई साहब स्कारेल मिल गई, मतलब सामने वाले बंदे सीधे पेटी में तब्दील करेगा तुम्हारा भाई। देखिए एक बंदा नॉक, ओह नो। और यहाँ पर गजब सीन, एक बंदा चिमनी चुमनी फेंक रहा था, सीधे नॉक, सीधे पेटी। दो तीन बंदे सामने भी हैं और यहाँ पर धुआं। जी हाँ, सामने की ओर से बंदे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर स्कारेल प्लस AKM उठाने के बाद पीछे जाता हूँ, क्या यहाँ पर बंदे हैं। वैसे भाई लोग, रेडमी K50i में आपको डायमंड सिटी 8100 का चिपसेट मिलता है, जो कि अंतुतु बेंचमार्क पे 8 लाख से ऊपर स्कोर करता है। एक बंदा दिखा, सीधे नॉक फिनिश। इसको नॉक फिनिश करने के बाद आगे जाता हूँ, एक और बंदा, और यहाँ पर उड़ता सलमान खान, सीधे नॉक। रिलोड कर पेटी बनाता हूँ, सीधे पेटी। इसकी पेटी बनाने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे बंदे हैं। एक बंदा TP भी लेके बैठा था, सीधा नॉक फिनिश।
भैया बहुत शानदार परफॉर्मेंस है रेडमी K50i की। जायरोस्कोप एकदम बराबर काम करता है, देखिए कहीं से कहीं तक कुछ भी डिले वगैरह है नहीं। साथ ही साथ रेंडर और फ्रेम ड्रॉप की कुछ भी प्रॉब्लम दिखी नहीं मेरे को, सिर्फ बैटरी थोड़ी सी जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि डिवाइस में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि बैटरी को थोड़ा जल्दी से खत्म करवा देता है। सामने की ओर एक सांप लेटा हुआ था, सीधे ना फिलहाल यहाँ पर तुम्हारा भाई थोड़ी बहुत लूट उठाएगा। क्या बंदे हैं और भी, मेरे हिसाब से पीछे की ओर एक बंदा है। जी हाँ, गाड़ी उठा के तो भगा था वो, दिखा मेरे को सामने और यहाँ पर सीधे पेटी। वैसे देखिए भाई लोग, रेडमी K50i की परफॉर्मेंस मेन छोटू टेम्पल पर अच्छी खासी थी। कोचिंग की आते बराबर देखिए, गजब सीन। एक बंदा कूदा, सीधे ड्रॉप शॉट, नॉक, फिनिश। इसकी पेटी बनाते बराबर आगे की ओर बंदे थे, तुरंत आ गया पुश मारने। अरे भैया डिवाइस की परफॉर्मेंस बता रहा है तुम्हारा भाई। जी हाँ, लगातार रस करने पर डिवाइस रेंडर वगैरह नहीं कर रहा है। एक चिमनी चुमनी यहाँ से फेंकता हूँ, अरे बंदों को पेलना है यहाँ पर। एक चिमनी चुमनी यहाँ से, बंदा कूदा, भगोड़ा बंदा, सीधे नॉक। एक और बंदा कूदा, सीधे नॉक। पहले बंदे की पेटी, दूसरा बंदा अंदर है। वैसे भाई लोग, तुम्हारे भाई को सर्दी टाइप की है, इसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी मोटी लग सकती है आपको। एक बंदा सामने की ओर था, सीधे नॉक। इसको नॉक करने के बाद एक और बंदा यहाँ पर है, कहाँ पर पता नहीं। और यहाँ पर गजब सीन, हमारे भाई ने सामने वाले बोर्ड का किल चुरा लिया यहाँ पर। वैसे तुम्हारा भाई किल वगैरह नहीं चुराता, सीधे बंदा पेल देता हूँ। देखिए दो बंदे आ रहे हैं, एक बंदा नॉक, दूसरा बंदा भी है नीचे, हमारे भाई को मारने का प्रयास कर रहा है ये। सीधे नॉक, सीधे पेटी। इसकी भी पेटी बनाता हूँ। पेटी बनाने के बाद यहाँ से बड़ा मजा आया मेरे को। देखिए सामने की ओर एक बोर्ड, सीधे नॉक। और यहाँ पर गजब सीन, हमारे भाई को किसी ने नॉक फिनिश कर दिया। पीछे की ओर से बंदे, पहला नॉक, एक और बंदा है कहीं पर। देखिए कैंपर था ये, दोनों बंदों की पेटी बनाने के बाद। देखिए ये थी रेडमी K50i की खतरनाक वाली परफॉर्मेंस। एक बंदा लेटा हुआ सामने, गजब सी ये नॉक वाला था, मतलब पेटी बना दिया इसकी। मीडियाटेक डायमंड सिटी 8100 की पावर, 19 किल इजीली निकाल लिया था हमें। यहाँ से चलते हैं आगे सीधे रियलमी X7 मैक्स की ओर। ये रहा रियलमी X7 मैक्स, स्मूथ प्लस 90 FPS। देखिए इसको पीछे से, अच्छा खासा डिवाइस है। जी हाँ, कहीं से कहीं तक कुछ भी समस्या नहीं है यहाँ पर। वैसे भाई लोग, रियलमी X7 मैक्स को लेकर तुम्हारा भाई सीधे जॉर्जपुल हॉट ड्रॉप उतर गया। देखिए यहाँ पर आगे वाले वेयर हाउस पर एक बंदा उतरा था, सीधे जाएगा तुम्हारा भाई पेटी बनाने। लेकिन ये तो भगोड़ा बंदा है, भगते भगते पकड़ा मैंने इसको, सीधे नॉक। नॉक करने के बाद जाता हूँ आगे, देखिए बड़े प्यार से। वैसे भाई लोग, रियलमी X7 मैक्स में आपको मीडियाटेक डायमंड सिटी 1200 का चिपसेट मिलता है जो कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। जी हाँ, डिवाइस का अंततः स्कोर आपको 7.5 लाख से ऊपर मिलेगा। एक बंदा यहाँ पर कैंपिंग कर रहा है, देखिए सीधे नॉक। एक और बंदा है आगे, इसकी पेटी बनाने के बाद उसकी भी पेटी बनाऊँगा। एक कहाँ पर ये भागा, भगोड़ा बंदा, अरे कहाँ तक भागेगा ये, देखिए गजब सीन। और ये था द पिछवाड़ा शॉट, सीधे नॉक फिनिश। एक और बंदा नॉक, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर, इसकी पेटी बनाता हूँ। पेटी बनाने के बाद बताता हूँ आपको, रियलमी X7 मैक्स पर जायरोस्कोप बराबर काम कर रहा है। देखिए रेंडर वगैरह भी डिवाइस होता नहीं है, जी हाँ पावरफुल डिवाइस है। और यहाँ पर गजब सीन, एक बंदा टावर पर कैंपिंग कर रहा है, दिखाया इसने अपनी मुंडी, सीधे हेडशॉट, नॉक। हाल फिलहाल सामने वाली की पेटी बनाने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करना पड़ेगा। देखिए क्या कोई और भी है वहाँ पर, वहाँ पर तो कोई नहीं था लेकिन दो बंदे उतरे। देखिए सामने की ओर पैरासूट खुल रहा है, एक बंदा यहाँ पर स्प्रे मारने की कोशिश कर रहा था, सीधे नॉक। और दूसरा बंदा रिवर्स गियर मार दिया, देखिए अरे बेटे रिवर्स गियर मत मारो, सीधे नॉक। और वहाँ पर एक गाड़ी आई, गजब सीन। मेरे हिसाब से सामने वाला बंदा रिवाइव हो जाएगा, आगे जाता हूँ। एक बंदा सीधे नॉक, हमारे भाई बड़े प्यार से पेटी बना देंगे। पेटी बनाने के बाद आगे जाता हूँ, मेरे नॉक वाले बंदे का किल शायद मिल सकता है मेरे को, लेकिन मिला नहीं। यहाँ से आया सीधे पीछे, देखिए गजब सीन। यहाँ पर दो बंदे क्या कर रहे हैं, एक नॉक, एक और बंदा है, सीधे पेटी।
वैसे भाई लोग आईकू नियो 6, उसके बाद रेडमी K50i, उसके बाद रियलमी X7 मैक्स, मेरे हिसाब से सभी फोन अच्छे खासे चल रहे हैं। जी हाँ, क्या कोई बंदे हैं पीछे? एक बंदा दिखा, स्प्रे मारता हूँ सीधे पेटी। पेटी नहीं यार, नॉक हुआ वो। तो ये था आईकू नियो 6 वर्सेस रेडमी K50i वर्सेस रियलमी X7 मैक्स के बीच पर क्लासिक मैच खेलकर कंपैरिजन। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।